हेलो दोस्तों, कोरोना विभीषिका में सभी जगह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिलेंडर, रेमडेसिविर या फिर इनकी जुड़ी दवाइयाँ, वैक्सीन, सभी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ गई है। ऐसे में लोग इतनी भागा दौड़ी में, घबराहट में लगते हैं कि उन्हें खुद ही पता नहीं चल पाता कि क्या वो वास्तव में जिस चीज़ के लिए इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं उसकी इतनी ज़रूरत भी है या नहीं। इसी तरह की एक जो चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है और जिसके बारे में लोग मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, वो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है, इसका क्या उपयोग है और क्या वास्तव में इसके लिए इतनी भागा दौड़ी उपयोगी है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। दोस्तों, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो होता है वो मेनली हमारे जो शरीर में वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसी को हाई मात्रा में करके और पेशेंट को पहुंचाता है। नॉर्मली जो हमारा वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसमें 78% तक नाइट्रोजन होती है और 21% तक ऑक्सीजन होती है। यानी ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में वायु में विद्यमान होती है। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब कोरोना की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होने लगती है, इसको चेक करने के लिए जो डिवाइस होता है उसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर पे जब सेचुरेशन लगातार 95, 90, 85 ऐसी रहती है तो ऐसे में डॉक्टर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की सलाह देते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसकी उपयोगिता ये है कि वो आपको काफ़ी मात्रा में एक साथ ऑक्सीजन डाल सकता है। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर एक तो हर जगह उपलब्ध नहीं होता, दूसरा उसके लिए घर पे उसको लाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए अस्पताल जाना पड़ता है। तो इसके लिए एक मिडवे साधन है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोई नया डिवाइस नहीं है दोस्तों, चाइना में तो ये पहले से ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। वहाँ पर जो बूढ़े लोग होते थे जिनके लंग्स में प्रॉब्लम होती थी, वो लोग घर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ला के रख लेते हैं। बेसिकली ये डिवाइस क्या करता है कि वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है उसी को थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करके हमें डिलीवर करता है। इसके अंदर जो स्पेशल मशीन होती है उसके साथ एक डिस्टिल वाटर को जोड़ दिया जाता है और डिस्टिल वाटर को पेशेंट के नाक पे मास्क या फिर प्रोंग्स की सहायता से लगा दिया जाता है। और उसके अंदर जो हम जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बिल्कुल ऐसा कह दें कि ऑक्सीजन को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, टाइम बीइंग के लिए ये आपकी हेल्प कर सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की अभी बहुत मारावारी है। जो जनरली जो 30, 40, 50 हज़ार के मिलते थे, काफ़ी सारी जगह आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि लोगों ने इकट्ठे कर लिए हैं और ब्लैक में भी मिल रहे हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये करेगा कि आपके वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसको कॉन्सेंट्रेट करके और आप उसे पेशेंट को दे सकते हैं। अगर उसकी सेचुरेशन 86, 87, 88 है तो उसको 3-4 पॉइंट तक बढ़ा सकता है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल नहीं कर पाएगा। आज नहीं तो कल आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सिर्फ एक टाइम बीइंग है, उससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, जैसे 90 सेचुरेशन और 95 तक आप आ जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूशन आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से ही लेना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है तो आप इसको उपयोग कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पर। बिना डॉक्टर की सलाह के इसका उपयोग ना करें। बिना बात अगर आपको बहुत ज़्यादा सेचुरेशन कम है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के भरोसे ना रहें, बल्कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी जाँचें कराएँ। हो सकता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपके लिए कोई ज़्यादा मदद का ही नहीं हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको इसके अलावा भी किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोरोना विभीषिका में? तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस तरह का वीडियो बनाऊँ। आप मुझसे संपर्क करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।